भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय द्वितीय भगवान कृष्ण का स्मरण श्लोक संख्या 3 शब्दार्थन्वय तात्पर्य दिव्यंग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पढ़िए बात श्लोक बोलूं न्यारे एक बार ले ले जो श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय द्वितीय भगवान कृष्ण का स्मरण श्लोक संख्या 3 शब्दार्थन्वय तात्पर्य दिव्यंग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स कथम सेवया त कालिना जरसंगत पृष्ठवाता प्रतिब्रूयात पादुस्मरन शब्द सह कैसे सेवया ऐसी सेवा से उसका कालेना समय के साथ जरसम अशक्तता को गतः प्राप्त पृष्ठ पूछे जाने पर वार्ता संदेश प्रतिब्रूयात उत्तर देने के लिए भर्तु भगवान के पाद चरण कमलों का अनुस्मरण स्मरण करते हुए अनुवाद इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया तात्पर्य भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्त लेने की अनुमति दे दी जाती है किंतु भगवान की दिव्य सेवा में कोई निवृत्ति नहीं, नहीं होता, कोई निवृत्त नहीं होता विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा से करते करते थक जाता है तो उसे सेवा से, से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहती को दिए गए उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा लक्षणम भक्ति योग कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम अरे, राम राम हरे 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 कृष्णा ये उद्धव जी को जैसे पूछा गया भगवान का समाचार तो तुरंत ही वो युवान हो गए यहाँ उद्धव जी का शरीर वृद्ध हुआ था आ, कम से कम 125 साल के होंगे उद्धव जी क्योंकि भगवान के जैसे ही युवान वो मित्र कज़िन थे तो भगवान की उम्र इतनी थी तो इनकी भी इतनी होगी तो 125 साल की उम्र में शरीर वो तो आ, द्वापर युग का अंत था इसलिए शरीर तो अच्छा होगा काफ़ी इतनी उम्र में पर अभी कलयुग में तो 30-35 साल 40 साल 50 साल तो बुढ़ा <laughs> ऐसा होता है लेकिन पॉइंट यह है कि वो इतने वृद्ध होने के बावजूद भी कृष्ण के लिए वो तुरंत ही कथा करने के लिए तुरंत ही युवा हो गए मतलब तुरंत ही उत्साहित हो गए उन्हें तुरंत ही कृष्ण का स्मरण हो गया तुरंत यहां पर लिखते हैं कि शरीर वृद्ध होने से आत्मा वृद्ध नहीं होती है हम लोग सिस्टमेटिक गीता पढ़ते हैं तो पहला ही श्लोक आते हैं देही निन यथा देह, शिक्षा भगवान शिक्षा की शुरुआत से ही कि ये शरीर वृद्ध होता है ये तीन अवस्था से पसार होकर मृत्यु होता है लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है हम शरीर का त्याग कर देते वासान से वर्णानी जीर्णानी जब वस्त्र जीर्ण हो जाते उसका त्याग कर देते त्याग हो जाता है लेकिन आत्मा जीर्ण कभी नहीं होता कभी भी वृद्ध नहीं होता है ये हम भगवत गीता से शिक्षा लेते हैं क्योंकि आत्मा के विषय में भगवत गीता के अलावा कहीं से शिक्षा नहीं मिलती है यानी शास्त्रों के अलावा शिक्षा नहीं मिलती है तो हम जानते हैं कि आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता है हम भी आज वृद्ध हुए हैं लेकिन हमारा आत्मा युवान है इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता है क्यों क्योंकि आत्मा आत्मा वास्तव में बूढ़ा नहीं है आत्मा हमेशा सच्चीद आनंद है सचिद आनंद तो यहां एक डिफरेंस यह है कि जो भी हम इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो कार्य में थकान लगती है थक जाते हम, शरीर के कभी कोई भी कार्य करते हैं थक जाते हैं लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें थकान नहीं लगता है ये सभी शुरुआत में ये हम इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे तब तो हम देखेंगे कि हम भगवान की सेवा करने के लिए और विशेष करके श्रवण कीर्तन वो तो वृद्ध व्यक्ति भी कर सकते हैं श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम किर्थन, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम ये नवडा भक्ति है हम उत्साह से कर सकते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें कंटा लाता है उबाल उब, उब जाते हम एक ही कार्य करो कितना भी अच्छा क्यों ना हो एक ही कार्य करो जैसे हम परसों एक ऑफिस में गए थे एक बहुत सुंदर ऑफिस थी पूरी एकदम लग्जरियस ऑफिस थी अभी वो ऑफिस में हम बैठे पाँच दस मिनट बैठे हैं अच्छा लगा लेकिन अभी उसी ऑफिस में हम एक साल बैठेंगे तो फिर हमको लगेगा उब जाएंगे हम अभी और चेंज करो चेंज करो चेंज करो है ना उब जाएंगे हम ये भौतिक जगत में ऐसा है हम कोई भी चीज से तुरंत उब जाएंगे तुरंत या थोड़े समय में ज्यादा हम नहीं टिकेंगे लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसी है जिससे हम कभी उबेंगे नहीं हमें कभी कंडाला नहीं आएगा ये ये महत्वपूर्ण है आज भक्तों दस बीस पच्चीस साल पांच साल से एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे लेकिन वो जप करते हैं तो शुरुआत में जब जप कर रहे थे उससे अभी जो जप करते उसमें और उनका उत्साह बढ़ता है सामान्यतः हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुरुआत में मजा आता है भौतिक कार्य में फिर अंत में कंटाल जाते हैं अभी छोड़ दो ये सब कार्य कोई भी हो लेकिन जब में जब भगवान की आध्यात्मिक बातें आती है भगवान की सेवा आती है तो उसमें हमें कंटाला नहीं आता है बल्कि हम जैसे जैसे भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा साक्षात्कार बढ़ता रहता है हु? और हम वही सेवा और उत्साह से और दृढ़ निश्चय से करते हैं। ये दिव्य स्वभाव है भगवान की भक्ति दिव्य है और दिव्य स्वभाव यह होता है कि जिसमें हम कभी भी उभ नहीं जाते हैं तो यह लिखा है कि सकतम सेवाया तस्य काले न जरसम गत समय जाने के साथ जरसम गत मतलब वृद्धत्व अशक्ति हुआ जरसम उद्धव जी को तो उसके बाद भी सकथम तो उत्तर देने के लिए तुरंत जैसे उनको प्रश्न इतने किए तुरंत तैयार उनको तुरंत स्मरण हो गया ओ अच्छा यह मौका है जब भी हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रश्न पूछेंगे भगवान के बारे में कितने भी प्रश्न पूछो तो प्रसन्न हो जाते हैं प्रश्न पूछने वाला भी क्योंकि उसको उत्तर मिलता है और प्रश्न उत्तर देने वाले भी ये प्रसन्न हो जाते हैं मतलब तुरंत यस बोलिए क्या प्रश्न है क्योंकि वो विषय ऐसा है हम लोग रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी करने जाएंगे बस स्टैंड पे इंक्वायरी के जाएंगे तो उनको थोड़ा दो प्रश्न ज्यादा पूछ लिया तो वो बोले भाई जाओ दूसरे को आने दो <laughs> है कि नहीं भैया ट्रेन कब आएगी अभी तक आई नहीं है क्या है क्या बस बोल दिया ना तुमको तो अभी जाओ है ना वो प्रश्न के उत्तर थक जाएगा वो क्योंकि वो भी बेचारा थका, थका। कंतल आता है ना एक ही प्रश्न का उत्तर यही है हम श्रीमद भगवद गीता बार बार पढ़ते हैं श्रीमद भागवत हम बार बार पढ़ते हैं एक ही प्रश्न बार बार रिपीट पचास बार पढ़ते हैं, सौ बार पढ़ते हैं, पर हम उभते नहीं है ये स्वभाव है ये कृष्ण भक्ति का स्वभाव है भगवान सच्चिदानंद है भक्ति भी सच्चिदानंद है ये इसीलिए जैसे जैसे भक्ति में भक्त प्रगति करता है वैसे वैसे उसका उत्साह निश्चय धीरज धैर्य बढ़ता है क्योंकि भक्ति ऐसी है भगवान का स्मरण ऐसा है कि वो बढ़ता रहेगा हम एक बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग पूर्ण जब तक नहीं बनेगा तब तक हम हमें हम हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा आ, कभी कभी मैं जब मेरा घर बना तो घर बन रहा था इतना समय लग गया तो हम लोग चालू घर में आ गए अभी कड़िया काम चालू है कलर काम चालू है हम चले गए अधूरे घर में चले गए लेकिन बहुत तकलीफ होती है क्योंकि घर गंदा हो जाता है वो लोग आते हैं वापस है, जाते हैं पूरा घर गंदा करके जाते हैं सफाई करना पड़ता तकलीफ होती है लेकिन कृष्ण भक्ति में यदि हम वन परसेंट भी कृष्ण भक्ति करेंगे कृष्ण का स्मरण करेंगे तो दूसरी बार हमारा दो परसेंट से शुरू होगा आज हमने जितना आज तक जितना भी कृष्ण भक्ति प्राप्त किया है कल और उसमें बढ़ोतरी होगी बढ़ोतरी होगी और ये इतना उत्साह प्रेरक है कि कृष्ण भक्ति में कोई भी सेवा हो इसमें भक्त और प्रेम से करने के लिए तैयार होता है कल का मैं उदाहरण देता हूं कल बर्तन सफाई कर रहे थे भक्त लोग प्रेम से अभी बर्तन इधर सफाई हो गया तो ऊपर से और बर्तन थोड़े बाकी थे तो बर्तन लेके नीचे गए तो विजय नीतान पे वो हाथ धो के सोने के लिए जा रहे थे घर पे मैंने तो प्रभु थोड़े और बर्तन बाकी है बत्सल प्रभु अकेले है तो तुरंत यहाँ प्रभु बोलो बोलो तुरंत वो दौड़ के गए पचास साल के प्लस वाले भक्त तुरंत दौड़ के गए तुरंत साफ कर दिया और आ गए। मतलब कहने का तात्पर्य कि कृष्ण भक्ति नित्य नूतन है वो कभी आ, शिथिल नहीं होती है जितनी हमने प्राप्त की और ज्यादा उसमें उत्साह आएगा हमको ये कल बारिश का सीजन था व्यवस्था करना तकलीफ था फिर भी भक्तों ने व्यवस्था किया हुं? तो ये ऐसी व्यवस्था या तो शादी में होती है या कोई बड़ा फेस्टिवल हो मतलब बड़ा घर का प्रसंग हो उसमें होती है वो रोज रोज तो नहीं होती है हर हफ्ते तो नहीं होती है लेकिन यहाँ हर हफ्ते होती है फिर भी भक्त वही की वही चीज करते हैं उसमें उनको उत्साह मिलता है आनंद मिलता है ये कृष्ण भक्ति का स्वभाव है और इतना भक्तों का कुकिंग करना माता जी दोपहर को आ जाते हैं दो बजे तीन बजे और दस बजे तक कितना घंटा आठ घंटा कम से कम सात घंटा दो से सात नौ बजे तक सेवा करते हैं ये क्या है ये दिव्य स्तर है सेवा का दिव्य स्तर सेवा यानी कृष्ण सेवा यानी दिव्य स्तर की बात है ये कोई साधारण बात नहीं है इसीलिए हम लोगों को यदि हमको अभी वो आनंद नहीं मिलता है फिर भी हमें हम रागानुगा भक्ति पर नहीं है कि भाई स्वयं सूर्य हमको आनंद मिलेगा फिर भी हम जबरदस्ती भी उसमें जाना पड़ेगा जाना चाहिए शुरुआत का स्टेज उसमें आनंद नहीं आएगा पर यदि हम टीके रहेंगे भक्तों के संग से भगवान को प्रार्थना करते और टिके रहेंगे तो हम हम भी उद्धव जी की तरह एक दिन ऐसे ही उत्साह से भगवान का स्मरण करते करते आ, हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे और मृत्यु का हमको डर नहीं रहेगा न तो महात्मा विदुर को मृत्यु का डर है न परीक्षित महाराज जो कथा सुनते उनको मृत्यु का डर है न सुखदेव गोस्वामी को नहीं उद्धव जी को किसी को मृत्यु का डर नहीं है यही कृष्ण भक्ति का स्वभाव है ना दिवि, ना एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं भाई तब लगता है जब हम सोचते हैं कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी है कृष्ण के ऊपर कुछ है तब भय लगता है लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारा आदो श्रद्धा तथो साधुसंग अथो तो भजन क्रिया तथो अनंत निवृत्ति से हमारी अनंत निवृत्ति निकलती जाएगी अनंत निवृत्ति होती रहेगी और हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ता रहेगा और वो श्रद्धा कच्ची श्रद्धा से भाव लेवल तक की श्रद्धा प्रेम लेवल तक की श्रद्धा हमारी हो जाएगी प्रेम मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से तो हम युगायतम निमेशेण चक्षुषम प्रायित शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में अभी हमको जगत शून्य नहीं दिखता है लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे हमको लगेगा कृष्ण का कृष्ण तो है ही नहीं हाँ हमें विरह लगेगा कृष्ण का ओ मुझे कृष्ण का दर्शन करना है ये विरह की स्थिति पर हम आएंगे ये स्थिति में आज उद्धव है उद्धव जी है आज के श्लोक में उन्हें तुरंत उसके उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया तो हम हमारा भी ऐसा होना चाहिए हमको तुरंत स्मरण होना चाहिए और जैसे ये सब रो रहे महात्मा विदुर महात्मा उद्धव जी सब रो रहे कृष्ण का स्मरण करके ओ अभी कृष्ण हमारे साथ नहीं है ये वीरा की सेवा और इस प्रकार का रुदन कृष्ण का संग है कल मैंने एक तात्पर्य में पढ़ा प्रभुपात के प्रभुपात कहते हैं कि अ इसी जीवन में इसी शरीर में हम वैकुंठ में रह सकते हैं कृष्ण के संग प्राप्त कर सकते हैं वीर भाव में वीर भाव में सेवा करके हुँ? क्योंकि कृष्ण का स्मरण कृष्ण का नाम अभिन्न है इसीलिए जैसे हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम कभी भी कृष्ण से दूर नहीं रहेंगे वैकुंठ लेवल में रहें वैकुंठ स्तर पर ही रहेंगे हम ये कोई Uh, सिद्धांत वाली बात नहीं है सिर्फ कोरा सिद्धांत नहीं है ये वास्तविकता है ज्ञानम हम हम सभी ज्ञानम ये प्रैक्टिकल है कि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान का संग प्राप्त करेंगे अभी हमारी वो अवस्था नहीं है पर हम वो अवस्था जरूर प्राप्त करेंगे इस प्रकार से uh, कथा सुनकर सेवा करके हम वो अवस्था जरूर प्राप्त करेंगे कि एक दिन हम भी बोलेंगे यह कृष्ण है नहीं हमें कृष्ण चाहिए कहाँ है कृष्ण जैसे षड गोस्वामी वृंदावन में ऐसा नहीं कहते वो मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है नहीं वो कृष्ण को ढूंढ के कहा है कृष्ण कहा है कृष्ण मेरे हृदय के प्राणनाथ कहा है चैतन्य महाप्रभु ये हम हमको यही सिखाया विरह सेवा विरह के भाव में सेवा हम अभी कृष्ण के साथ नहीं है कृष्ण हमसे दूर है हु? लेकिन हम कृष्ण की सेवा करके ऐसा हमारा वीर तीव्र हो जाए तीव्रण भक्ति योगे नाम तीव्र वीर होना चाहिए तो ओ कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण तो तुरंत हमको कृष्ण का संग मिलेगा और ये तीव्रता से हमें भागवत की कथा सेवा करनी है भागवत की कथा सुननी है श्रवण करना है कीर्तन करना है जप जप करना है यही तीव्रता से ये ये रागानुगा भक्ति है और फिर भाव भक्ति अभी हम विधि भक्ति कर रहे हैं इसलिए माला करना है भाई भागवतम सुनना है मंगल आरती अटेंड करनी है सेवा करनी है सब बोलना पड़ता है हम्म यहाँ तो जैसे ही प्रश्न पूछा यस तुरंत स्मरण हो जाता है तो हमें ये स्तर पर आना है कि कोई भी हमको कृष्ण के बारे में पूछे तुरंत हमको स्मरण हो जाए और हमारा चेतना कृष्ण भावनामृत हो जाए यही यही कृष्ण भावनामृत संघ है संघ ऐसा है जिसमें आपकी चेतना भौतिक चेतना से परिवर्तित होकर कृष्ण भावनामृत हो जाएगी कृष्ण चेतना हो जाएगी अमृत अमृत ये चेतना अमृत में है इस भौतिक जगत में अमृत कहीं नहीं सब जगह जहर है सब जगह जहर है सब बातों में जहर है कोई भी संबंध हो सब जहर से भरा हुआ है कोई भी बातें कहते जहरीली है टीवी सीरियल जहरीली पिक्चर जहरीले उससे क्या होते बच्चे बिगड़ते हैं बच्चे की छोड़ो बूढ़े बिगड़ते हैं है, अभी बुढ़ापे में असक्त हो जाते हैं तो बेटा उसको एक टीवी दे देता है रिमोट कंट्रोल दे देता है और पूरा दिन चौबीस घंटा टीवी देखता है देखिए अभी हमको ऐसा तो नहीं बनना है ना हमको उद्धव जी की तरह बनना है यस तुरंत स्मरण हो और भगवान की भक्ति कर सके तो हमें इस प्रकार से हमारे जीवन को ऐसा मोल्ड मोल्ड देना मौल्ड करना है जीवन को कि हमको सतत कृष्ण रहे अभी हम दो घंटा सेवा करते हैं फिर चार घंटा छह घंटा फिर घंटा सेवा करेंगे नींद में भी हुँ? सेवा करेंगे हम की। हमको ऐसी अवस्था लानी है उद्धव जी की तरह विदुर जी की तरह सुखदेव गोस्वामी की तरह परीक्षित महाराज की तरह हरे कृष्ण भागवतम की जाय शिला की जायल सिंधु